चटपटी मसालेदार जिसकी खुशबू से सारा घर महक उठे और कि जिसकी खुशबू और महक से आपके पड़ोसी भी दौड़ते हुए आपके घर आ जाए, ऐसी है ये भंडारे वाली सब्जी। तो आज बस वही जबरदस्त मुंह में पानी ला देने वाली स्वादिष्ट आलू की भंडारे वाली सब्जी बनाने जा रहे हैं। के किस तरह से वो चटपटी आलू की सब्जी बनाई जाती है कि हम वो दोना उंगलियों से चाट चाट कर पूरा साफ कर डालते हैं। 100% आलू की भंडारे वाली सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ सीक्रेट मसाले जो भंडारे वाले उस सब्जी में डालते हैं। तो मसालों में हमने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। तो सौंफ देती है हमारे आलू के भंडारे वाली सब्जी में जबरदस्त वाला फ्लेवर, और साथ ही साबुत धनिया के बिना तो भंडारे वाली सब्जी का स्वाद ही अधूरी है। तो हमने इस तरीके से सारे मसाले को दरदरा सा कूट लिए। अब हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच जितना घी और साथ ही 2 चम्मच जितना तेल। तेल डालने से सब्जी में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। थोड़े से हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं, तो 2 तेज पत्ता लिए हैं, 4 हमने काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 2 हमने लौंग लिए हैं। तो इन मसालों को हम घी में डाल देंगे और बढ़िया से इन मसालों को हम चटकने देंगे, और मसालों के चटकते ही हम डालेंगे हमने जो तैयार किए थे वो मसाले हम डाल देंगे और इसको 1/2 से 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हींग। हींग डालकर एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हरी मिर्च डालकर एक बार करेंगे मिक्स, और साथ ही हम डालेंगे 1.5 इंच के लगभग कुटे हुए अदरक। और हरी मिर्च और अदरक इस सब्जी की जान होती है, मतलब ये सारे जो मसाले हमने डाली है इसी से आपकी सब्जी बनेगी जबरदस्त स्वादिष्ट। और अदरक को हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। साथ ही हमने डाल दिए हैं 3 कटे हुए टमाटर, और टमाटर को करेंगे एक बार मिक्स, और साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सारे चीजों को एक बार कर लेंगे फिर से मिक्स। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास पानी। तो देखिए पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर हमने बड़े बड़े काटे हैं, तो पानी डालने से टमाटर और मसाले अच्छे से गल जाएंगे और पक जाएंगे। तो इसी के साथ हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च जिसको हमने बीच से चीरा मार लिए हैं। तो अब हम इन सारे मसाले को एक बार ढक देंगे और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम खोलकर एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, हलवाई लोग काली मिर्च जरूर डालते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। तो हाँ, कस्तूरी मेथी आप जरूर से डालिएगा क्योंकि कस्तूरी मेथी डालने से सब्जी में आएगी जबरदस्त वाली फ्लेवर और एकदम खुशबूदार हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो बस इसी तरीके से हम 1 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो इसी में हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू को हम इस तरह से हाथों से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। तो बस आलूओं को करेंगे 1 मिनट के लिए मिक्स ताकि आलू में मसाले की कोटिंग हल्की सी हो जाए। तो एक बार आप इस तरीके से भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाकर ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं 1 मिनट के लिए, तो अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे। तो गरम पानी हम इसलिए डाल रहे हैं, गरम पानी डालने से सब्जी की रंगत और खुशबू बरकरार रहती है। तो हमने इसमें लगभग 2 ग्लास के लगभग पानी डाले हैं। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतनी आप डाल दीजिएगा। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, हलवाई इसमें काला नमक जरूर डालते हैं, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने डाले हैं कुछ अदरक के लच्छे, कच्चे अदरक का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च तो हमने पहले ही डाल चुके हैं, बस एक बार करना है इसको मिक्स और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए हम सब्जी को उबलने देंगे।
तो 5 मिनट हमारे हो गए हैं, तो अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे भंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस सब्जी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और साथ ही हम इस सब्जी में भंडारे वाली असली स्वाद लाने के लिए इसमें हम लगाएंगे तड़का। इसके बिना इस सब्जी का स्वाद ही अधूरा है। तो चलिए फटाफट से हम तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हमने लिए है तड़का पैन में 1 चम्मच घी, और घी को हम गर्म होने देंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और बस तड़के को एक बार मिलाएंगे और फटाफट से हम तड़का को डाल देंगे। यहीं पर डालेंगे हम थोड़े से कटे हुए हरे धनिया की पत्ती और 1 मिनट के लिए हम ढककर सब्जी को छोड़ देंगे ताकि तड़के का स्वाद सब्जी में पूरी तरह से समा जाए। तो बस 1 मिनट के बाद हमारी भंडारे वाली आलू की सब्जी पूरी तरह से हो गई है तैयार। तो आशा करते हैं कि हमारे आलू की भंडारे वाली सब्जी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी आज की यह रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।